बिल्कुल। और आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक तीनों कृषि कानून के वापसी के ऐलान के बाद आंदोलन को भविष्य को लेकर की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसान नेता अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी सहित कई मुद्दों पर अभी आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। इसी को लेकर बैठक में आगे की रणनीति आज बनाई जाएगी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर शुरू होगी। और आपको बताएं कि किसानों की 5 मुख्य मांगे हैं। एमएसपी पर कानून चाहिए, बिजली पर अध्यादेश की वापसी चाहिए, पराली के मुकदमे की वापसी चाहिए, किसान आंदोलन के मुकदमों की वापसी चाहिए और आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। किसान ये 5 मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर इस पर बात बनती है तो फिर ये आंदोलन खत्म हो सकता है। इस तरीके के संकेत दिए गए हैं राकेश टिकैत की तरफ से। आपको अब सिंघू बॉर्डर हम लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ था, वहां से सीधा जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बलराम, सिंघू बॉर्डर पर बैठक लगातार होने वाली थी जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, अब आज ये बैठक सुबह 11 बजे होनी है। कौन से लोग इस बैठक में शामिल होंगे, कितनी देर बैठक चल सकती है, मुख्य बिंदु क्या होंगे जिसमें इस बैठक पर चर्चा होगी? बलराम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम बलराम के पास चलेंगे। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आगे कैसे आंदोलन बढ़ेगा, क्या अभी भी धरने पर बैठना है या प्रधानमंत्री की अपील के बाद धरना स्थगित करना है? और देखिए, किसानों की क्या मांगे हैं एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। बिजली पर अध्यादेश की वापसी चाहिए किसानों को और इसके साथ साथ पराली जलाने पर दर्ज मुकदमों की वापसी की भी मांग है किसानों की। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दे सरकार, एमएसपी पर कानून की मांग भी कर रहे हैं। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जब बैठक होगी तो इस पर चर्चा भी की जाएगी। और साफ है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जो रणनीति तय होगी उसी से किसान आंदोलन का भविष्य भी तय होगा। हालांकि 3 कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान पीएम ने कर दिया है, लेकिन किसान अभी घर जाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि संसद में सबसे पहले तो इस कानून को वापस लिया जाए और उसके बाद जो हमारी 5 मांगे हैं उस पर भी बात बने, उसके बाद ये आंदोलन हम खत्म कर सकते हैं।